हेलो फ्रेंड्स, आपका अभय टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे भी अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में जो कि मार्शमेलो और नॉगेट पर रन कर रहा है, उस पर आप लेटेस्ट गूगल विजिट को पा सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है इसको पाने का। आपने कई वीडियो भी देखी होंगी कि जिसमें दिखाया गया है कि उनके डिवाइसिस में नया गूगल विजिट आ चुका है, मगर उन्होंने नहीं बताया कि स्टेप्स कैसे हैं उनको पाने के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगा इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको गूगल ऐप को सर्च करना है। जब आप गूगल ऐप को सर्च करेंगे तो आपको उस पर क्लिक करना है कुछ इस तरह। तो मैं एक बीटा टेस्टर हूँ इसमें। तो आपको इसके बीटा बनने के लिए करना क्या है, तो जैसे ही आप गूगल ऐप खोलेंगे तो आपको सबसे तरह नीचे की तरफ स्वाइप करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिकम अ बीटा टेस्टर। आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, फिर आपको 10 मिनट वेट करना है आप जब तक आपका आप बीटा टेस्टर बन चुके होंगे इसके लिए। फिर आपको अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना है, फिर आपको प्ले स्टोर में दोबारा जाके गूगल ऐप को सर्च करना है। फिर उसमें आपको एक अपडेट अवेलेबल मिलेगा गूगल ऐप का, आपको उस अपडेट को डाउनलोड कर लेना है। जब आप अपने अपडेट को डाउनलोड कर चुके होंगे गूगल ऐप के, तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सर्च विजिट अवेलेबल होगा पुराना वाला, तो उस पर गूगल लिखा रहता था, तो आपको उसी तरह गूगल पे क्लिक करना है। और जहाँ पर सिर्फ गूगल लिखा है आपको वहीं पर क्लिक करना है, और सर्च बार में आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना, सिर्फ गूगल पे क्लिक करना है। ये मैं पुराने वाले सर्च बार के लिए सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो आपको फिर से जो यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गूगल का लोगो मिल रहा है, आपको उस पर फिर से क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे बॉटम की साइड आपको 5 आइकन्स दिख रहे होंगे। इन 5 आइकन्स में से आपको लास्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज विजिट का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इसको छेड़ना नहीं है। जैसे कि अगर आपको ये डायरेक्ट खुल जाता है तो आपको पहले यहाँ पर डन पे क्रिएट करना है। आपको डन पे क्लिक करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप डन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फिर से वही पुराना वाला सर्च बार रहेगा, आपको कस्टमाइज़ करने वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पहले डन पे क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह से गूगल का सर्च बार मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस हैं, तो अगर आप इस पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपना गूगल का लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरा गूगल चाहते हैं या फिर सिंगल उसका जी चाहते हैं। तो यहाँ पर बार लोगो का ऑप्शन मिलता है आपको। बार लोगो के बाद आपको एक और ऑप्शन, 3 ऑप्शन और अवेलेबल मिलते हैं जो कि है बार शेप का। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो पूरा रेक्टेंगुलर है, मगर जो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स में बहुत ही बढ़िया लगता है, मगर राउंड वाला भी बहुत ही अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं बार शेप में। बार शेप के बाद आपको एक और ऑप्शन, 2 ऑप्शंस और मिलते हैं जो कि है बार कलर का। तो आप यहाँ पर नॉर्मल जी और ब्लैक आइकन्स के साथ वाइट बैकग्राउंड बार कलर का आप पूरा ब्लैक ले सकते हैं, और या फिर उसकी पूरा कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। और आखिरी ऑप्शन है ओपेसिटी का, बार शेडिंग जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मेरा थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो आप यहाँ तक कर देंगे तो आपका ये और तरह से पूरी तरह से वाइट हो जाएगा, मगर मुझे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पसंद है तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। सो अभय टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये ऑप्शन बढ़िया लगा और ये सेटिंग्स बढ़िया लगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी यूज़र्स को भी पता चले कि वो नए गूगल सर्च बार को पा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।